रांची थाना अंतर्गत नशे के सौदागरों ने सरेराह युवती से छेड़छाड़ कर मारपीट कर दी। दरअसल पुलिस की निष्क्रियता के चलते खुलेआम नशे के सौदागरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसका विरोध करने पर युवती और उसके परिजनों को बदमाशों ने जमकर पीटा, तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता ने जानकारी दी कि जब क्षेत्र के बदमाश अमन बैन, आकाश चौधरी व अन्य छेड़छाड़ करने वाले युवकों की रिपोर्ट रांची थाने में लिखवानी चाहिए, तो रांची पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के चक्कर में युवती के पिता की मारपीट की रिपोर्ट लिखकर मामूली धाराएं लगा दी। तो वहीं पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर पीड़ित युवती आज एसपी कार्यालय पहुंची, जहां डीएसपी तुषार सिंह को शिकायत देते हुए युवती ने बताया कि क्षेत्र के रहने वाले आकाश चौधरी, अमन बैन खुलेआम नशीले इंजेक्शन का कारोबार करते हैं। वहीं आए दिन मोहल्ले में नशा करने वालों का जमघट लगा रहता है। वहीं 22 तारीख को अमन, आकाश के द्वारा छेड़छाड़ करते हुए मारपीट की गई थी, उसके बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई उन लोगों पर नहीं की गई है, जबकि उनका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिया गया है। जी, मैं रांची क्षेत्र से आई हूँ, गणेशगंज के पास मैं रहती हूँ। मेरी बहन, दोनों सिस्टर वहाँ से आ रही थी। अमन बेन नाम का लड़का उन्हें छेड़ता है और उनके साथ बहुत सारे लड़के आके आ गए। उन लोग ने इनके साथ सब हम लोग के साथ सबके साथ मारपीट की और रांची क्षेत्र रांची थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना पुलिस उनको पकड़ रही है। कौन है ये लड़के और कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? इन लोग नशा करते हैं, वहाँ हमारे घर के पास नशा का व्यापार होता है और इंजेक्शन बिकता है, वहाँ पे सारे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं। उन लोग इकट्ठा करके रखते हैं वहाँ पे गुंडों को। आकाश चौधरी नाम है जिनके घर में व्यापार होता है नशा का। नहीं, ऐसा नहीं है, शिकायत पे बिल्कुल कार्रवाई हुई है, एफआईआर भी हो गई है उनकी, और जो नाम आप लोग बता रहे हैं उस नामजद एफआईआर हुई है उनकी और प्रॉपर मामला रजिस्टर्ड हो गया है। अब क्योंकि वीडियो भी संज्ञान में आया तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी, और जो भी वो ऐसे व्यक्ति हैं अगर वो अवैध गतिविधियों में संलग्न हैं तो उन पर उस तरह से भी कार्रवाई नहीं, इस पर आगे से बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। पूर्व के बारे में मुझे बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है, पर इस पे आगे से आज से आपको शिकायत नहीं आएगी। थाना प्रभारी को, बिल्कुल उनके सीएसपी सर को, वहाँ सबको सूचित कर दिया जाएगा, वहाँ पर रेगुलर रूप से पेट्रोलिंग चालू करवा दी जाएगी।